Hey guys, welcome back to our channel Yet to be Decided, another episode of our Goa series. तो आज के एपिसोड में हम आपको कुछ हिडन प्लेसेस दिखाएंगे. तो हमारी फर्स्ट लोकेशन है क्या? कैरी फुट ब्रिज. ये गोवा सिटी से, मतलब मेन सिटी से बहुत ज्यादा दूर है. अराउंड लाइक कैलिंगुट से अराउंड 45 किलोमीटर है. हाईवे की तरफ जो कर्नाटका की तरफ रास्ता जाता है उस पर आपको ये पड़ेगा. तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जगह आना वर्थ है या नहीं है. ठीक है, तो चलो मिलते हैं. Our first hidden gem of Goa. It is, हम लोग पहले एक्चुअली डाइसी थे कि इतना दूर आ रहे हैं, पता नहीं वर्थ है भी कि नहीं है, बट लाइक बहुत अच्छी जगह है. अभी धूप में मेरी आंखें खोल रही है, तो इसके लिए एक टिप, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, लाइक तब धूप भी नहीं होगी, बहुत अच्छा मौसम आएगा, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आएंगी, बहुत लाइक ओवरऑल मैं इसको 10 out of 10 दूंगी. पहले हम सोचते लाइक जस्ट सिर्फ एक फुटब्रिज ही तो यहाँ पे क्या आना, बट बहुत अच्छी जगह, पानी बहुत क्लियर वाटर बह रहा है, लाइक छोटा सा जैसे नदी टाइप होती है ना वैसे बहुत क्लियर वाटर. दो चार ही घर है यहाँ पे, बहुत शांत शांत सा प्लेस है. सो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगी और ज़रूर. इसकी पिक्चर्स और हमने रील्स भी लिए वो हम अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे. इंस्टाग्राम का लिंक हम दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे जाकर हमको फॉलो करें. यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, हाँ आप चेक कर सकते हो. देखो इंस्टाग्राम फ्रेंडली, मतलब इंस्टाग्राम एडिक्ट जो हैं उनके लिए तो ये मस्ट विजिट है. मस्ट विजिट है बिकॉज यहाँ पे जो फोटोज और रील्स जो बनेंगी मैं बता रहा हूँ वो वैसी कहीं नहीं मिलेगी. अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, ये प्रो टिप है. हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग. हम लोग लाइक 6 का प्लान था, 6 एएम हम लोग घर से चलेंगे, चल नहीं पाए थे, बट हम लोग 6:30 घर से चल गए थे, फिर भी हम लोग यहाँ पे लाइक 7:45 के अराउंड पहुंचे थे. तो अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, सनराइज से पहले आ जाओ ताकि आपको और मजा आए. चलो फिर अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे, लोकेशन नंबर 2, हिडन जेम. ओके, बाय बाय. तो गाइस अब हम आ गए हमारी सेकेंड लोकेशन पे. ये हिडन तो नहीं बट जेम जरूर है. तो अभी हम आए हैं पर्रा रोड, जो कि फेमस है डियर जिंदगी की. तो इसको लाइक डियर जिंदगी रोड भी बोल सकते हैं आप. हाँ, तो ये उस चीज के लिए फेमस है. अगेन ये भी इंस्टाग्राम के लिए बहुत वर्थी है. इसमें आप अपने वीडियोस, रील्स और फोटोज क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छी आती हैं, क्योंकि एक रोड है जो कोकोनट ट्री से घिरी हुई है. तो मैं आपको पर्रा रोड दिखा देता हूँ. ये है पर्रा रोड. चलो हम भी ट्राई करते हैं कोई शॉर्ट्स लेने की कुछ, और एना का इंस्टाग्राम वैसे भी भरना ही है. तो चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको पर्रा रोड की कुछ क्लिप्स. ये था हमारा टेक इसके ऊपर पर्रा रोड पे. तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे गाड़ी आपके खड़ी नहीं रख सकते आप, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये बहुत बिजी रोड है, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी. तो आप सावधानी से आएँ, अपनी फ़ोटोज़ खींचें, वीडियोस बनाएं, और मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे. तब तक टेक केयर.
आए हैं और वहाँ हम लोग जा रहे हैं हमारी थर्ड जेम लोकेशन पे। गाइस ये एक्चुअली में मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने बताया था मुझे, बट मैंने कभी देखी नहीं है। तो ये जो लोकेशन है वो चपोरा फोर्ट के अंदर से, चपोरा फोर्ट के अंदर से अंदर से ही है। हाँ अंदर से ही एक खुफिया रास्ता है, आप देख सकते हो कहीं पे भी आके, वो खुफिया रास्ते से आओ और आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करके बट काफ़ी है जैसे आप देख सकते हो हमें वहाँ तक जाना है चल के एकदम उस एंड पॉइंट तक। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, तो बहुत अच्छा हो वहाँ से बिकॉज व्यू यहीं से इतना अच्छा लग रहा है। हाँ तो वहाँ से तो ऑब्वियस है कि अच्छा ही लगेगा। सी मेरी आंखों को तो बहुत प्यारा लग रहा है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं, चले हैं ना। चपोरा फोर्ट वहाँ से हम लोग आए हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक जेम। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर। सो यहाँ फोटोज़ खींच सकते हो, काफ़ी अच्छी फोटोज़ आएंगी यहाँ पे, और रील भी बना सकते हो। घास अच्छी है रनिंग करते हुए, और लाइक उस टॉप पॉइंट से आए हैं वहाँ से, हाँ वॉक करके, बट इट्स वर्थ। तो ये भी हमने एक्चुअली ये कोई डिसाइडेड नहीं था, बट हमें एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो हम लोग सोचा कि हम इसको कवर करें। वी आर प्लीज्ड कि हम यहाँ पे आए और हमने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ जब भी आप आए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस जगह पे ज़रूर आए, चपोरा फोर्ट जब भी आओगे यहाँ ज़रूर आए। और अगर आपको चाहिए तो वहाँ देखो बहुत ग्रीनरी है, कुछ लोग वहाँ से भी नीचे लाइक बीच पे जाने का ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट नो वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बट स्टिल वो उस पॉइंट से है वॉक करके यहाँ तक तो आ रहे हैं, बट इसके नीचे नहीं गया कोई भी अभी तक जब से हम देख रहे हैं। वो स्टीप है शायद, तो सब उधर उस इस ग्रीन पहाड़ पे इधर ही बैठे हुए हैं, कोई भी नीचे नहीं आ रहा। तो दिस वाज ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल एंड दिस वाज अवर थर्ड जेम। यस थर्ड जेम। चलो फिर हम भी कुछ शॉर्ट्स लेते हैं यहाँ पे, हिना के कुछ रील्स बनाते हैं। सो गाइस ये हिडन जेम पार्ट वन यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने तीन जगह कवर की है। और भी आएंगे ऐसे वीडियोस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाओ ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारे हिडन प्लेसेस के वीडियोज आने वाले हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स बनाए। तो ये था हमारा पार्ट वन, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू। Bye!